जी अस्सलाम वालेकुम। आ रही आवाज मेरी आप सबको? कैन यू हियर मी? ओके ग्रेट। सो वेलकम बैक। आज इंशाल्लाह टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स को रिव्यू करेंगे, बट लेट्स वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स, लेट अदर्स कम, देन वील स्टार्ट। कल हमने मेनली डिस्कस किया था कि स्ट्रक्चर क्यों डेवलप करती हैं ऑर्गेनाइजेशंस, एंड व्हाट आर द रीजंस फॉर व्हिच ऑर्गेनाइजेशंस हैव टू स्विच फ्रॉम वन स्ट्रक्चर टू अदर। वो कौन सी वजूहत होती हैं इसकी बेस पे इदारे अपने स्ट्रक्चर को अपडेट करते हैं? ऑब्वियस सी बात है, विद द पैसेज ऑफ टाइम ऑर्गेनाइजेशंस नीड टू चेंज देयर स्ट्रक्चर। जब इदारा छोटा होता है तो उसका स्ट्रक्चर और होता है, फिर एज द टाइम पासेस एज ऑर्गेनाइजेशन ग्रोज तो जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आ चुका है पेपर में। क्वेश्चन हैज ऑलरेडी अपीयर्ड ऑन एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रक्चर। स्क्रीन शो हो जाती है, हियर इट इज। ओके, सो एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रक्चर हैज ऑलरेडी अपीयर्ड सो फार इन द एग्जामिनेशन। और इस पे क्वेश्चन आया था, एक सिचुएशन दी गई थी, एक इलेक्ट्रॉनिक जो गुड्स हैं उसके रिटेलर की सिचुएशन थी कि एक रिटेलर है जो कि किसी मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बेचता है, एंड द क्वेश्चन वाज के वो किस किस्म के स्ट्रक्चर में ऑपरेट कर रहे हैं, एंड व्हाट माइट बी सम ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट स्ट्रक्चर। तो उसमें वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन था और एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रक्चर उसमें एक्सप्लेन करना था। बेसिकली द क्वेश्चन वाज रिवॉल्विंग अराउंड एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रक्चर। एंटरप्रेन्योरियल ऑर्गेनाइजेशन ऐसे इदारे को कहते हैं जिसको एक छोटे से स्केल पे एक ओनर मैनेज करता है। देयर इज वन पर्सन हु मैनेजेस दिस ऑर्गेनाइजेशन। इसके मेन फीचर्स क्या होते हैं? एंटरप्रेन्योर सारा डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस खुद एग्जीक्यूट करता है, डिसीजन खुद लेता है, डेलीगेट नहीं करता डिसीजन मेकिंग को। Entity is therefore organized around the entrepreneur, the entrepreneur, and there is no formal management structure. कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं होता, एक बॉस है, सारे उसी को रिपोर्ट कर रहे हैं, एंड देर इज नो स्पेसिफिक चेन ऑफ कमांड। कोई चेन ऑफ कमांड नहीं होती, ऑपरेशंस बड़े सिंपल होते हैं। एंटिटी ऑपरेट्स द वेरी स्मॉल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेस। जैसे आपके घर की विसिनिटी में देर माइट बी सम स्मॉल ग्रोसरी शॉप जिसका एक ओनर है। ठीक है, देर इज वन ओनर और उसके अंदर उसके कुछ सेल्समैन हैं। ठीक है, एंड वो ओनर खुद ही परचेजिंग करता है, खुद ही डिसीजन मेकर है, खुद ही सेलिंग करता है। देर इज नो स्पेसिफिक यू नो चेन ऑफ कमांड। ठीक है, लेकिन जस्ट इमेजिन के वही बिजनेस है और अब वो ग्रो करते 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 हाइपर स्टार के लेवल पे आ गया है। इफ द बिजनेस हैज ग्रोन टू द लेवल ऑफ हाइपर स्टार, नाउ व्हाट विल हैपन? अब आप गौर करें तो हाइपर स्टार इज अ वेरी स्ट्रक्चर्ड बिजनेस, इट्स अ वेरी स्ट्रक्चर्ड बिजनेस। ठीक है ना, उसके अंदर अब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। अब प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट अलग होगा, मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट जो है वो अलग होगा, एचआर डिपार्टमेंट अलग होगा। एग्जैक्टली, तो जब बिजनेस ग्रो करता है तो एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रक्चर बिकम्स इनएफिशिएंट। एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रक्चर ओनली अप्रोप्रिएट व्हेन एंटिटी इज इन अर्ली फेज ऑफ लाइफ। अर्ली फेज ऑफ लाइफ से क्या मुराद है कि इदारा अभी अभी शुरू हुआ है, इदारे के ऑपरेशन अभी भी इस्टेब्लिश हुए हैं,
अब इदारा जो है वो बहुत बड़ा नहीं हुआ, ठीक है। जैसे आप एक छोटी सी घर में अकेडमी खोलते हैं अपने, आप एक छोटा सा इंस्टीट्यूट कोई खोलते हैं घर में, तो उसके वो आप ही ओनर हैं, आप ही स्टूडेंट से फीस लेंगे, आप ही पढ़ाएंगे, सब कुछ आप करेंगे, सारे डिसीजन मेकिंग आप करेंगे। जो आपने कोई थोड़ा बड़ा स्टाफ रखा होगा वो भी सेंट्रलाइजेशन के ऊपर काम करेगा। और जस्ट इमेजिन नाउ योर बिजनेस स्टार्ट ग्रोइंग, अब आप ब्रांचेस पे आ जाते हैं, ब्रांचेस के ऊपर अब आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं एस्टैब्लिश करना। तो जब आप ब्रांच सिस्टम बनाएंगे तो अब आपको बाकायदा फिर अलग अलग लोग हायर करने पड़ेंगे, डिपार्टमेंट्स खोलने पड़ेंगे। अब आप अकाउंट डिपार्टमेंट अलग खोलेंगे जहाँ पे सारी अकाउंटिंग होगी। अब आप लेट सपोज मार्केटिंग का अलग डिपार्टमेंट खोल देंगे जो लोग सिर्फ मार्केटिंग करेंगे जी। सो देर आर डिफरेंट वेज इन विच यू कैन एक्चुअली एस्टैब्लिश द बिजनेस। तो जब इदारा ग्रो करता है साइज में तो उसे फिर एक फॉर्मल स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड होता है, एंड दैट फॉर्मल स्ट्रक्चर कैन बी फंक्शनल स्ट्रक्चर। व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन ग्रोज इन साइज माइट नीड अ फॉर्मल स्ट्रक्चर, एंड दैट फॉर्मल स्ट्रक्चर इज व्हाट वी कॉल एज अ फंक्शनल स्ट्रक्चर। 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया था मार्च 2016 में फंक्शनल स्ट्रक्चर के ऊपर। तो द क्वेश्चन वर्थ 10 मार्क्स ऑन फंक्शनल स्ट्रक्चर। क्वेश्चन ये किया था एग्जामिनर ने कि फंक्शनल स्ट्रक्चर के सेलियंट फीचर्स बताने थे और फंक्शनल स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके भी दिखाना था, राइट। और हाँ, एक और चीज़ पूछी गई थी, इसके एडवांटेजेस और इसके ड्रॉबैक्स भी पूछा गया था, वो आपके यहाँ पे क्लियर नहीं है, अभी वो मैं आपको नोट करवा देता हूँ। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर नॉर्मली नेक्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट होती है इदारे के अंदर। व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन ग्रोज इन साइज द नेक्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज फंक्शनल स्ट्रक्चर। डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी जो है वो डेलीगेट हो जाती है फॉर्मल अरेंजमेंट के थ्रू। रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो डिवाइड हो जाती हैं बिटवीन मैनेजर एंड डिफरेंट एक्टिविटीज। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मार्केटिंग के लोग अलग होंगे, ऑपरेशन के लोग अलग होंगे, प्रोडक्शन के लोग अलग होंगे, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग के लोग अलग होंगे। तो डिफरेंट डिपार्टमेंटल हेड्स अब आप डिप्यूट कर लेंगे। इसी तरह HR का फंक्शन भी हो सकता है, IT का फंक्शन भी हो सकता है, एंड सो ऑन। ईच फंक्शन हैज इट्स ओन मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, इट्स ओन स्टाफ, एंड थिंग्स आर नाउ मोर फॉर्मल। अब चीज़ें ज़्यादा फॉर्मल हो जाती हैं, डिसीजन मेकिंग लाइन्स क्लियर हो जाती हैं, थोड़ी बहुत डेलीगेशन भी आ जाएगी। देर माइट बी सम डेलीगेशन, वी माइट बी गिविंग द पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग टू द डिपार्टमेंटल हेड्स, ठीक है। आप कुछ डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो डिपार्टमेंटल हेड्स को भी देंगे। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर वुड बी मोर फॉर्मल, ठीक है, ज़्यादा फॉर्मल होगा। लाइक दिस इज अ टिपिकल फंक्शनल स्ट्रक्चर, ये ड्रॉ करने को आया था स्ट्रक्चर, 3 मार्क्स में ये ड्रॉ करने को भाग गया था। बोर्ड होगा टॉप पे, बोर्ड के नीचे MD है या CEO है, और MD के नीचे फिर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। अकाउंट्स एंड फाइनेंस का डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग एंड सेल्स है, प्रोडक्शन है, R&D है, रिसर्च है, HR है। फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अपने आगे सब डिपार्टमेंट्स होंगे, मशीनिंग, असम्बली एंड पैकेजिंग, फिनिशिंग। तो दिस इज अ वेरी टिपिकल फंक्शनल स्ट्रक्चर। इसे हम, ये जो मैंने कल आपको ऑर्गेनोग्राम दिखाया था, एग्जैक्टली दिस इज ऑर्गेनोग्राम। ये मैंने कल आपको ऑर्गेनोग्राम की दो एग्जाम्पल दिखाई थी, यही ऑर्गेनोग्राम है, ठीक। दिस इज ऑर्गेनोग्राम। ऑर्गेनोग्राम भी कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट भी कहते हैं, दोनों नाम इस्तेमाल करते हैं। इट इज ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। देखिए अब ये जो चार्ट है ये आपको बड़ी क्लियर डेजिग्नेशन बता रहे हैं। और यहाँ पे जब इदारे अपना ऑर्गेनोग्राम ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे नाम भी लिखते हैं फिर उस बंदे का, यानी अकाउंट्स एंड फाइनेंस का जो मैनेजर, उसका नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पर्सन, उसका नाम भी यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है ना। उसका नाम जो है वो भी यहाँ पे मेंशन होगा। सो दैट दैट इज द ऑर्गेनोग्राम, इसे हम ऑर्गेनोग्राम कहते हैं। सो ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट है, ऑर्गेनोग्राम है, दैट इज स्पेसिफिक टू एन ऑर्गेनाइजेशन। हर इदारे का अपना अपना होता है, हर इदारे का ये ऑर्गेनोग्राम जो है वो स्पेसिफिक होता है, डिपेंडिंग अपॉन कि इदारा कैसे ऑपरेट कर रहा है, इदारे के ऑपरेशनल मैकेनिज्म्स क्या हैं, एंड हाउ दैट ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स इन अ पर्टिकुलर सेटिंग। अच्छा, फंक्शनल स्ट्रक्चर के बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स पे क्वेश्चन आया था पेपर में, यहाँ पे गिवन नहीं है, आई कैन जस्ट टाइप इट फॉर यू। ये नोट कर लें कुछ बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स, एग्जामिनेशन में इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है।
ओके सो इधर लिख लेते हैं एडवांटेजेस, इधर लिख लेते हैं डिसएडवांटेजेस. आई एम नॉट श्योर ये इस वक्त. ओके अच्छा, मैं पार्टिसिपेशन देख रहा हूँ तो लियाकत अली चौधरी साहब जो है ये काफी सारे आए हैं. अगर बार बार लॉग इन कर रहे हैं आप लियाकत आई गेस. ओके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. एडवांटेज क्या है जी इसका? पहला तो ये है इट्स अ फॉर्मल स्ट्रक्चर. दूसरा एडवांटेज है इसका क्लियर चेन ऑफ कमांड, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी बड़ी क्लियर होती है. तीसरा एडवांटेज है इसका स्पेशलाइजेशन, हर डिपार्टमेंट के लोग जो हैं वो अपना अपना काम करने में एक्सपर्ट हैं, स्पेशलाइज्ड हैं, तो स्पेशलाइजेशन इन डिपार्टमेंट्स. ठीक है, एफिशिएंसी, हाई एफिशिएंसी, जब स्पेशलाइजेशन होगी तो एफिशिएंसी भी हाई होगी. हाई स्टाफ मोरल ड्यू टू डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. स्टाफ मोरल हाई होगा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होने की वजह से. ये कुछ इसके आप समझ लें एडवांटेजेस हैं. अगर ड्रॉबैक्स क्या है, ये फीचर है. देखिए फीचर में और एडवांटेज में फर्क होता है. फीचर और एडवांटेज में फर्क होता है. मैं आपको एडवांटेज बता रहा हूँ, आई एम टेलिंग यू एडवांटेजेस. ओके फीचर से ये लिखे हुए हैं ना यहाँ पे आपके सामने, ये सारे फीचर्स ही हैं ना. कि जी ये नेक्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है, ये भी एक फीचर है. डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी डेलीगेट की जाती है, ये भी फीचर है. लेकिन इस फीचर की वजह से फायदा क्या हो रहा है? स्टाफ मोरल हाई हो रहा है. ठीक है, ये बेनिफिट है. तो फीचर की वजह से ये कोई ड्रॉबैक भी पैदा हो सकता है, कोई उसका ड्रॉप अपना बेनिफिट भी आ सकता है. इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो है वो ये है कि हाई बैरियर्स बिटवीन डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट्स के दरमियान बैरियर्स हाई होते हैं. डिपार्टमेंट के दरमियान बैरियर्स जो है वो हाई होते हैं. नंबरिंग देख लीजिएगा. ओके डिपार्टमेंट के दरमियान बैरियर हाई होते हैं. दूसरा मल्टीटास्किंग नहीं हो पाती, नो मल्टीटास्किंग ड्यू टू स्पेशलाइजेशन. डिपार्टमेंटल जो लोग हैं उनमें मल्टीटास्किंग नहीं हो पाती बिकॉज ऑफ स्पेशलाइजेशन. तीसरा इसका एक ड्रॉबैक है एंड दैट इज इट्स एन एक्सपेंसिव स्ट्रक्चर टू मैनेज. महंगा स्ट्रक्चर होता है, इसमें आपको बहुत सारी हायरिंग्स करनी पड़ती है. इसमें आपको बहुत सारी हायरिंग्स करनी पड़ती है, नीड टू हायर फंक्शनल के लिए. फंक्शनल के, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बुक में नहीं गिवन. जब किसी के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है पेपर में तो अलग से आपको पता होना चाहिए. बुक में बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स गिवन नहीं है. नहीं देखिए, डेलीगेशन का एडवर्स इफेक्ट ये हो सकता है कि क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस कैन बी लो. ओवरबर्डन इज समथिंग डिफरेंट. मतलब वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, उस पर डेलीगेशन नहीं आती. डेलीगेशन होती है डिसीजन मेकिंग पावर की. डेलीगेशन जो है वो काम की नहीं होती. काम जब आप किसी को देते हैं तो वो डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आप बढ़ाते हैं. डेलीगेशन नेवर मीन्स दैट यू आर गिविंग समवन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी. डेलीगेशन मीन्स दैट यू आर गिविंग समवन योर पीस ऑफ पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग. आप अपनी डिसीजन मेकिंग पावर किसी को देंगे, डेलीगेशन. जिम्मेदारी बढ़ाना डेलीगेशन नहीं होती. जिम्मेदारी बढ़ाना तो डेफिनेटली इट्स पार्ट ऑफ योर जॉब. अगर तो रिक्वायरमेंट है नौकरी की तो येस यू हैव टू इंक्रीज द रिस्पॉन्सिबिलिटी.
सो एक ड्रॉबैक ये होता है कि थोड़ा सा मतलब नॉट एज एक्सपेंसिव एज डिवीनल, डिवीनल तो बहुत एक्सपेंसिव होता है, बट स्टिल चूंकि फॉर्मल है तो थोड़ी सी इसमें कॉस्ट इफेक्टिवनेस आपकी हाई जो है वो लो होती है. मल्टीटास्किंग नहीं होती ड्यू टू स्पेशलाइजेशन. हाँ, पुअर कम्युनिकेशन बिटवीन डिपार्टमेंट्स, कम्युनिकेशन पुअर होती है बिटवीन डिपार्टमेंट्स. ये और पहला वाला जो है ये अलाइंड है. ऑब्वियसली बैरियर्स हाई होंगे डिपार्टमेंट के दरमियान तो पुअर कम्युनिकेशन होगी बिटवीन द डिपार्टमेंट. ठीक है, तो ये कुछ चार इसके ड्रॉबैक्स हैं. दीज आर सम ऑफ द ड्रॉबैक्स व्हिच अ फंक्शनल स्ट्रक्चर कैन हैव. ओके, तो ये टेबल नोट कर लें. ये बल्कि मैं अगर आपको क्वेश्चन दिखाऊं, द क्वेश्चन वाज देयर इन द एग्जामिनेशन एंड इट वाज लाइक इन मार्च 16. अगर क्वेश्चन मेरे पास खुला हुआ है, इफ आई हैव दैट क्वेश्चन पेपर ओपन्ड. हाँ, ये दिस इज स्प्रिंग 16 क्वेश्चन था जी. इसमें जस्ट लास्ट क्वेश्चन था पेपर का, ये क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट है. सेलियंट फीचर्स ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड मेन एडवांटेजेस एसोसिएटेड विद इट प्रेजेंट इन अ चार्ट. अ फंक्शनल स्ट्रक्चर एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सुपीरियर क्वालिटी सैनिटरी फिटिंग्स. 3 मार्क्स, 10 मार्क्स का क्वेश्चन था. स्ट्रेट फॉरवर्ड 10 मार्क्स, और ये इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड मार्क्स थे कि यू कुड हैव वेरी इजीली स्कोर्ड. इस तरह का जो क्वेश्चन बड़ा स्कोरिंग होता है. दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज वेरी स्कोरिंग, एंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन हैज वेरी यू नो डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग इन टर्म्स ऑफ क्लैरिटी. तो इस तरह के सवाल में अगर आप इजीली स्कोर कर लेते हैं तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं. These are some of the ways in which organizations can actually lead towards superior performance. Okay, once we are done with functional structure, if still organization grows, इदारा मजीद ग्रो कर रहा है, इदारा जो है वो और ग्रो कर रहा है, और अब इदारा जो है वो फैलता जा रहा है, मुल्क से बाहर निकल गया, डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन्स में आ गया, डिफरेंट कस्टमर्स को टारगेट कर रहा है. So now functional structure will also become ineffective when organizations develop their business into different product markets, different portfolios. So functional structure become inappropriate and now we have divisional structure. Well, पॉलिसी है उनकी. देखिए, पॉलिसी मैटर को आप चैलेंज नहीं कर सकते. दे हैव अ पॉलिसी, लेकिन आपको पता है ना उनका सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट देने का क्राइटेरिया क्या है? वो तो पता होना चाहिए आपको कि वो किस क्राइटेरिया पर सर्टिफिकेट ऑफर करते हैं. डू दे नो, डू यू नो देयर क्राइटेरिया? मैंने बताया था शायद वो दैट्स देयर पॉलिसी. इफ दे आर नॉट डिस्क्लोजिंग यू कांट चैलेंज देम ऑब्वियसली. लेकिन ये तो कंफर्म है कि 70% प्लस होते हैं. ये तो कंफर्म है कि 70 से ऊपर होते हैं. ठीक, क्योंकि सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट का क्राइटेरिया ये है कि यू हैव टू गिव द सर्टिफिकेट If a student is appearing in all the papers, whatever paper he or she is appearing, वो सारे पेपर पास करे और जिसमें सर्टिफिकेट आए वो 70+ हो. ठीक है, सो वेन एन ऑर्गेनाइजेशन ग्रोज इन साइज फर्दर तो डिवीजनल स्ट्रक्चर बिकम्स अप्रोप्रिएट. डिवीजन्स 3 किस्म की होती हैं. डिवीजन्स ज्योग्राफिकली होती हैं डिफरेंट मार्केट्स के अंदर, डिवीजन्स डिफरेंट प्रोडक्ट्स में होती हैं, और डिवीजन्स जो डिफरेंट कस्टमर्स की बेस पे भी होती हैं. द मोस्ट कॉमन डिवीजनल स्ट्रक्चर इज दिस वन एंड दिस वन. नेस्ले की मिसाल ले लें. नेस्ले पूरी दुनिया में ऑपरेट करता है, डिफरेंट ज्योग्राफिकल मार्केट्स में ऑपरेट करता है, प्लस नेस्ले हैज डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन्स. नेस्ले की डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन्स हैं. ठीक है, डिफरेंट डिवीजन्स जो है नेस्ले की एग्जिस्ट करती हैं. They have multiple divisions. So it depends that how organization operates in
divinal structure and how organization has some critical role in establishing divinals. The divinal structure mein agar main nestle ka divinal structure draw karun aapke liye, if I draw divinal structure of nestle for you, बताता हूँ डिवीजन क्या होती है. लेट मी जस्ट ड्रॉ इट. मैं यहाँ देखो, यहाँ पर कोई हायरार्की का पड़ा है चार्ट. हायरार्की, ये हायरार्की. ओके, लेट्स चूज दिस. ओके, सो दिस इज नेस्ले फॉर एग्जांपल. इसको अगर हम यहाँ से डिलीट कर दें, यहाँ पे नेस्ले की है मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट, ये पहली डिवीजन है. इधर है बेवरेजेस, ये दूसरी डिवीजन है. इधर है बेबी फूड्स, ये तीसरी डिवीजन. ठीक है. अच्छा, फिर अब इस डिवीजन के अंदर आगे फर्दर हर डिवीजन का अपना डिपार्टमेंट है, अपनी प्रोडक्शन. एवरी डिवीजन विल हैव देयर ओन प्रोडक्शन, विल हैव देयर ओन डिपार्टमेंट्स. फॉर एग्जाम्पल, okay, now if we talk about beverages, Nestle might have a beverages ki apni production. बेवरेजेस जो है इसकी अपनी मार्केटिंग है. ठीक है, इसी तरह इसकी अपनी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है. इसी तरह अब ये लेट्स अज्यूम कि ये इस डिवीजन के अंदर फॉल कर रहा है, इट इज फॉलिंग अंडर दिस डिवीजन. ठीक है, सो बेसिकली डिवीजन्स जो होती हैं, डिवीजन कहते हैं स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट को. हर डिवीजन का अपना डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर होता है, हर डिवीजन अपने तौर पे खुद ऑपरेट करती है, हर डिवीजन जो है उसका अपना एक प्रोसेस होता है. सो डिवीजन्स जो होती हैं दे आर बेस्ड ऑन सेपरेट बिजनेस यूनिट्स. ईच डिवीजन इज अ डिफरेंट बिजनेस, उसकी अपनी प्रोडक्शन है, अपनी मार्केटिंग है, अपनी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है. डिवीजन ओवरलैप नहीं करते. हाँ, देर माइट बी सम डिपार्टमेंट्स जो कि डिवीजनल लेवल पे सारे डिवीजन्स को इक्वली सर्व करते हैं. आर एंड डी डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, वो एक ही होता है. ठीक है, सो देर आर अपना एग्जाम्पल्स जिसमें डिवीजनल लेवल के ऊपर भी आप डिपार्टमेंट्स को कुछ हद तक. तो डिवीजन कहते हैं स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट को. Each division is basically a group of own functional departments such as marketing, sales, operation, production, accounting. Authority head office delegate ho ke divisional management ke paas aa jati hai.
और डिवीजनल मैनेजमेंट जो है ना, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोडक्ट मार्केट स्ट्रैटेजी एट डिवीजनल लेवल। कौन से प्रोडक्ट्स होंगे, कौन सी मार्केट होगी, डिवीजनल लेवल की जो मैनेजमेंट है ये उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो कैसे प्रोडक्ट मार्केट स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करते हैं। हेड ऑफिस अपने पास कुछ कंट्रोल रखता है और कुछ फंक्शन ऐसे हैं जो हेड ऑफिस खुद कंट्रोल करता है, फॉर एग्जाम्पल IT है, R&D है, और बाकी सारे फंक्शन डिवीजन्स का डेलीगेट कर देते हैं। लाइक सी, दिस इज बोर्ड, दिस इज CEO, ये नेस्ले की जो है अभी डिवीजन आपको बताएंगे, DNA, DNB, लाइक दिस इज लेट से मिल्क एंड डेयरी, दिस इज लेट से बेवरेजेस, और ये कुछ फंक्शन हेड ऑफिस ने अपने पास रिटेन किए हुए IT एंड R&D, और बाकी फंक्शंस जो हैं वो हर डिवीजन के अपने अपने हैं। प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सेल्स, अकाउंटिंग, फाइनेंस, हर डिवीजन के अपने अपने फंक्शन। नो डिवीजन विल शेयर एनी फंक्शन। इसीलिए डिवीजनल स्ट्रक्चर का एक ड्रॉबैक ये होता है कि इसके अंदर डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज आ जाती है। इसके अंदर देखो ना, अब एक ही बिजनेस में दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं, एक DNA का और एक DNB का है। सो दिस विल लीड टू प्रोडक्शन डुप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज। नहीं, आती हेड ऑफिस के अंडर ही है, लेकिन डिवीजनल जो डिवीजन होती हैं, दे आर ऑटोनोमस डिसीजन मेकिंग यूनिट्स। डिवीजन को हम कहते हैं ऑटोनोमस डिसीजन मेकिंग यूनिट्स, यानी डिवीजन के पास अथॉरिटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू फंक्शन इन फंक्शनल स्ट्रक्चर। यहाँ पे जो अथॉरिटी होगी ना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास, वो कम होगी एज कम्पेयर टू द अथॉरिटी गिवन टू द डिवीजनल मैनेजमेंट, क्योंकि डिवीजन्स ने सारे रिसोर्स खुद मैनेज करने होते हैं ना। प्रोडक्शन भी खुद करनी है, HR को भी खुद देखना है, मार्केटिंग भी खुद करनी है। सो डिवीजनल जो डेलीगेशन है ये ज्यादा होती है। डिवीजन्स के अंदर जो डेलीगेशन, जो डेवोल्यूशन होती है अथॉरिटी की, ये बहुत ज्यादा होती है, दैट्स क्वाइट हाई। ठीक है, डेलीगेशन और डेवोल्यूशन ऑफ अथॉरिटी डिवीजनल लेवल पे हाई होती है। क्लियर? ओके, डिवीजनल के कुछ बेनिफिट और ड्रॉबैक्स देख लें। मोर और लेस कुछ ना कुछ सेम ही है, ये फंक्शनल के हैं, दीज आर लाइक फंक्शनल। डिवीजनल के क्या होंगे, डिवीजनल का बेनिफिट मेन अगेन क्लियर चेन ऑफ कमांड, सेम चेन ऑफ कमांड क्लियर। इसी तरह हाईली फॉर्मल स्ट्रक्चर, देन स्पेशलाइजेशन, हाई लेवल ऑफ एफिशिएंसी, मोस्ट सुटेबल टू लार्जर ऑर्गेनाइजेशन। बड़े इदारे डिविजनल स्ट्रक्चर के बगैर काम ही नहीं कर सकते। इसका इन सारे ड्रॉबैक्स के अलावा, फॉर एग्जांपल नो मल्टीटास्किंग, हाई बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, इसके अलावा इसका सबसे बड़ा जो नुकसान होता है दैट इज हाईली एक्सपेंसिव स्ट्रक्चर ड्यू टू डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज। इट इज अ हाईली एक्सपेंसिव स्ट्रक्चर ड्यू टू डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज। एप्लीकेशन जो कि डुप्लीकेट हो जाती हैं, एक्टिविटीज आपकी डुप्लीकेट हो रही होती हैं,
डुप्लीकेशन से क्या मुराद है कि आपका जो उसके अंदर जो डिपार्टमेंट्स हैं वो आपके एक दो डिफरेंट डिपार्टमेंट सेम काम कर रहे हैं, ठीक है? जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट बढ़ जाती है, मैनेजमेंट की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। सो जब एक्टिविटीज डुप्लीकेट होती हैं तो मैनेजमेंट की जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाती है। कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट जो है दैट ग्रोस, तो ये इसका एक ड्रॉबैक है। नहीं देखें, जो चैनल्स होते हैं ना कम्युनिकेशन, आपने पढ़ा होगा ना बेटा बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर, कम्युनिकेशन के मुख्तलिफ चैनल्स होते हैं ना, लाइक वर्टिकल कम्युनिकेशन होती है, हॉरिजॉन्टल होती है, डायगनल होती है। जो वर्टिकल कम्युनिकेशन होती है ना दैट इज वेरी स्लो एंड इंफॉर्मेशन लॉस इज वेरी हाई इन वर्टिकल कम्युनिकेशन। वर्टिकल कम्युनिकेशन में इंफॉर्मेशन लॉस बहुत ज्यादा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑफ डिवीजन ए हैज टू टॉक टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑफ डिवीजन बी, तो ये पहले वर्टिकली कम्युनिकेट करेगा अपने डिवीजनल हेड से, ये हॉरिजॉन्टली कम्युनिकेट करेगा इसके डिवीजनल हेड से, और ये डाउनवर्ड कम्युनिकेट करेगा उस डिपार्टमेंटल हेड से, तो स्लो कम्युनिकेशन हो जाती है। रिमेंबर जब भी कम्युनिकेशन चैनल स्लो होते हैं इंटर डिपार्टमेंटल बैरियर्स हाई हो जाते हैं और कम्युनिकेशन जो है वो आपकी पुअर हो जाती है, बिकॉज इंफॉर्मेशन लॉस इज वेरी हाई। इंफॉर्मेशन लॉस जो है बहुत हाई होता है, ठीक। दिस इज द रीजन वाई वी से कि बैरियर्स ऑफ इंटर डिपार्टमेंटल बैरियर्स जो है वो हाई होते हैं। अच्छा जी, यही जो भी बताया पॉइंट दैट इज कम्युनिकेशन वाला, देखें वर्टिकल कम्युनिकेशन में फॉर्मल चैनल्स होते हैं ना कम्युनिकेशन के, तो वर्टिकल कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन फ्लो इज स्लो। ये तो पता है ना आपको कि वर्टिकल कम्युनिकेशन के अंदर जो कम्युनिकेशन फ्लो है वो सुस्त होता है, स्लो होता है। एंड रिमेंबर वेन एवर वर्टिकल मतलब किसी भी कम्युनिकेशन चैनल के ऊपर जब कम्युनिकेशन फ्लो सुस्त होता है या स्लो होता है उसकी वजह से इंफॉर्मेशन लॉस बढ़ जाता है, टाइमली इंफॉर्मेशन डिलीवर नहीं हो पाती एंड इट माइट लीड टू इंक्रीज और ग्रेटर इंफॉर्मेशन लॉस। इंफॉर्मेशन लॉस इससे थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए हम कहते हैं कि फिर इंटर डिपार्टमेंटल पुअर कम्युनिकेशन या इंटर डिपार्टमेंटल बैरियर से एफिशिएंसी जो है वो अफेक्ट हो सकती है बिकॉज ऑफ पुअर कम्युनिकेशन चैनल्स। ठीक ओके, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर पे बात करते हैं। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर जो है ये बड़ा फ्लेक्सिबल और बड़ा डायनामिक स्ट्रक्चर है। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर को फॉर द फर्स्ट टाइम यूज किया गया था एरोस्पेस इंडस्ट्री के अंदर 1950s और 60s में। इट वॉज यूज बाय डिफेंस एंड एरोस्पेस इंडस्ट्री, जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस को डिफरेंट प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने होते थे जो कि क्लाइंट स्पेसिफिक होते थे। फॉर एग्जांपल कोई एरोस्पेस इंडस्ट्री है जो कि एरोप्लेन्स बनाती है मुख्तलिफ क्लाइंट्स के लिए, तो हर क्लाइंट की नीड अलग है, हर क्लाइंट की डिमांड अलग है, हर क्लाइंट की प्रोडक्ट्स के रिक्वायरमेंट्स जो है वो डिफरेंट है। सो दे यूज टू मैनुफैक्चर डिफरेंट प्रोडक्ट्स फॉर डिफरेंट क्लाइंट्स। अब उसमें ये होता था कि वर्टिकल लाइंस तो होती थी डिपार्टमेंट्स की, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी है, मार्केटिंग एंड सेल्स भी है, एचआर भी है, ऑपरेशंस भी हो रहे हैं, लेकिन देर वॉज नो सिंगल इंडिविजुअल, कोई एक ऐसा सिंगल बंदा नहीं होता था जो उस पूरे प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी उठाए। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर एक क्लाइंट हूँ किसी एक कंपनी का,
सो मैं क्या हर डिपार्टमेंट से अलग अलग कम्युनिकेट करूंगा यार, मेरा जो प्रोडक्ट है वो किस डिपार्टमेंट से गुजर रहा है, कहाँ पहुंच गया, या देर हैज टू बी अ फोकल पर्सन जिससे मैं डायरेक्ट कम्युनिकेट करूँ, या वो उसे कम्युनिकेट करे मेरे प्रोडक्ट के मुतालिक। तो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर पे बनाया गया था जहाँ पे हम फिर ट्रेडिशनल रिपोर्टिंग फंक्शंस को ओवरले कर देते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस से। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर जो है ये द चैलेंज ये होता था कि व्हेन कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू कैरी आउट डिफरेंट प्रोजेक्ट फॉर डिफरेंट कस्टमर्स सच एज बिल्डिंग अ क्वांटिटी ऑफ एयरक्राफ्ट फॉर अ गवर्नमेंट कस्टमर लेट्स से। तो चैलेंज ये होता था कि हाउ टू कंप्लीट दैट प्रोजेक्ट ऑन टाइम एंड ऑन बजट। ट्रेडिशनल फंक्शनल स्ट्रक्चर तो काम करता ही था, लेकिन नो वन वॉज विलिंग टू टेक द ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द होल प्रोजेक्ट। तो मेट्रिक स्ट्रक्चर को फिर डेवलप किया गया इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, एंड प्रोजेक्ट मैनेजर्स वर अपॉइंटेड जो ओवरऑल जिम्मेदारी उठाते थे पूरे प्रोजेक्ट की, और वो अलाइन करते थे डिफरेंट डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज को अक्रॉस अ सिंगल प्रोजेक्ट। एट द सेम टाइम फंक्शनल मैनेजर अपना अपना काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन अपना काम कर रही है, मार्केटिंग वाले अपना काम कर रहे हैं, एचआर वाले अपना काम कर रहे हैं। इस तरह से एक डुअल कमांड स्ट्रक्चर पैदा हो जाता है। ये डायग्राम देखें, दीज आर फंक्शनल लाइंस, ये फंक्शनल लाइंस है प्रोडक्शन, क्वालिटी कंट्रोल, डिजाइन, मार्केटिंग, अकाउंट, फाइनेंस, एचआर, और ये प्रोजेक्ट मैनेजर है दे आर प्रोजेनी। ये जो वर्टिकल लाइंस है ये डिपार्टमेंटल लाइंस है जो टिपिकल चेन ऑफ कमांड है जैसे भी हमने पढ़ा फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर, और ये जो लाइंस हैं ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। यानी जो प्रोजेक्ट मैनेजर ए है ये इसकी जिम्मेदारी है कि ये जो भी प्रोजेक्ट ये देख रहा है उसकी प्रोडक्शन, उसकी क्वालिटी, उसके डिज़ाइन, तमाम चीज़ों को लुक आफ्टर करे और क्लाइंट के साथ कोऑर्डिनेट करे और टाइमली डिलीवर करे प्रोजेक्ट क्लाइंट को। अब हो क्या रहा है कि वर्टिकल लाइंस ऑफ अथॉरिटी पे आपने हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ अथॉरिटी को ओवरले कर दिया, इसलिए हम मेट्रिक्स को ओवरले स्ट्रक्चर भी कहते हैं। वी ऑल्सो कॉल मेट्रिक स्ट्रक्चर एज एन ओवरले स्ट्रक्चर। ये वेयर ट्रेडिशनल वर्टिकल कमांड स्ट्रक्चर इज ओवरलेड बाय हॉरिजॉन्टल अथॉरिटी। ट्रेडिशनल वर्टिकल कमांड स्ट्रक्चर को आप ओवरले कर देते हैं हॉरिजॉन्टल अथॉरिटी से। ठीक, ये इसकी बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है डेविस एंड लॉरेंस की, कि मैट्रिक्स स्ट्रक्चर एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है दैट इम्प्लॉयज अ मल्टीपल कमांड सिस्टम। मल्टीपल मीन हॉरिजॉन्टल भी एंड वर्टिकल भी, दैट इंक्लूड नॉट ओनली अ कमांड स्ट्रक्चर बल्कि एक ऐसा कल्चर भी और ऐसा सपोर्ट मैकेनिज्म भी जो कि उस स्ट्रक्चर को सपोर्ट करे। क्योंकि देखें जब भी अभी हम आगे जाके बढ़ते हैं, जब भी आप डुअल कमांड सिस्टम पैदा करते हैं इट क्रिएट्स प्रॉब्लम। व्हेनेवर यू डेवलप अ डुअल कमांड सिस्टम इट विल क्रिएट प्रॉब्लम। तो डुअल कमांड सिस्टम से पैदा होने वाले मसाइल को रिजॉल्व करने के लिए फिर हम क्या करते थे, फिर हम ऐसा कल्चर पैदा करते थे, ऐसे ऐसे सिस्टम्स डेवलप करते थे कि वो स्ट्रक्चर सपोर्ट हो। ये डुअल कमांड सिस्टम प्रॉब्लम कैसे कर सकते हैं। अब देखें फॉर एग्जांपल एक बंदा यहाँ पे काम कर रहा है जो क्वालिटी कंट्रोल एक्सपर्ट है, जिसकी डायरेक्ट जो अथॉरिटी है वो क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर है, एंड ही इज करंटली वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट बी। ठीक है, तो प्रोजेक्ट मैनेजर बी जो है वो भी इसको ऑथराइज कर सकता है। अब क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर इस पे अपनी अथॉरिटी को प्रैक्टिस करेगा और प्रोजेक्ट मैनेजर बी इसको अपने काम करने को कहेगा। फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट मैनेजर बी इसको ये कह सकता है कि यार थोड़ा जल्दी जल्दी काम करो और कोई करो टेस्ट स्किप कर दो, आई हैव टू डिलीवर द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। जबकि क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर कहेगा नहीं, सारा काम पूरा करो, सारे टेस्ट कंप्लीट करो, वी कैन नॉट डिलीवर लाइक दिस। नाउ दिस पर्सन इज गोइंग टू बी इन प्रॉब्लम। अब ये बंदा मसले में आ जाएगा क्योंकि ये बंदा डुअल कमांड में आ गया। डुअल कमांड एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल वायलेट करती है मैनेजमेंट का, जो हेनरी फ्योल ने बताया था, याद है हमने पढ़ा था यूनिटी ऑफ कमांड। बॉस हैज टू बी वन, यूनिटी ऑफ कमांड कहती है एक बॉस होना चाहिए। तो डुअल कमांड स्ट्रक्चर जो होता है ये यूनिटी ऑफ कमांड को वायलेट कर रहा है बेसिकली, जिसकी वजह से मसाइल पैदा होते हैं। अब ये बेचारा परेशान होएगा कि इसकी सुने या इसकी सुने। अगर अपने मैनेजर की नहीं सुनता इसकी सुनता है तो मैनेजर नाराज होता है, अगर प्रोजेक्ट मैनेजर की नहीं सुनता इसकी सुनता है तो फिर प्रोजेक्ट मैनेजर इसको जो है वो नेगेटिव रेट करेगा, इसकी शिकायत लगा सकता है। इसी तो इसके अब अभी आगे जाके बढ़ते हैं। इस मसले का हल हुआ था प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। मेट्रिक स्ट्रक्चर और प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, प्रोजेक्ट हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन में इसको फिर हल किया गया था।
फिर डायग्राम में देखें, पर्सन जो है क्वालिटी कंट्रोल एक्सपर्ट है, ही इज रिस्पॉन्सिबल टू द क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर फॉर द टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ जॉब एंड इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू द प्रोजेक्ट मैनेजर बी फॉर दैट स्पेसिफिक प्रोजेक्ट. सो मैनेजर विल बी कंसर्न विद कम्प्लीटिंग द टास्क ऑफ द प्रोजेक्ट ऑन टाइम विद इन बजट विद इन कॉस्ट. ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा. प्रोजेक्ट मैनेजर माइट वॉन्ट टू स्किप सम टेस्ट टू मेकअप टाइम. मेकअप टाइम मीन्स के वक्त पर डिलीवर करना है अपना प्रोजेक्ट. But the quality control department won't want to do that. Both can put the employee under some pressure. However, matrix structure should allow the employee to ask the two managers to discuss the problem as it is plain that they are both involved. Finally, होना ये चाहिए कि बजाय इसके कि आप इसको प्रेशराइज करें, प्रोजेक्ट मैनेजर बी और क्वालिटी कंट्रोल एक्सपर्ट ये आपस में बैठ के बातचीत करेंगे भी हमने क्या करना है. Why are they pressurizing this individual? इसको क्यों तंग कर रहे हैं आप? You should not. ठीक है ना, बजाय इसके कि आप इंडिविजुअल को डिस्टर्ब करें, यू शुड डिस्कस द थिंग्स एट योर ओन. ठीक है, आप अपने आप पे इसको जो है वो डिस्कस करें. सो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर मैट्रिक्स स्ट्रक्चर सिर्फ तब काम करता है जब ये दो चीजें इंश्योर की जाती हैं. ओपन कम्युनिकेशन होनी चाहिए and focus should be on getting the job done rather than you know defending our positions. अगर आप अपनी positions को defend करते रहेंगे तो आप कभी भी काम नहीं कर पाएंगे. So matrix structure में कहता है जो आपका ultimate output होना चाहिए वो होना चाहिए getting the task done, काम पूरा करना. अगर काम करना important है, ये छोड़ दें कौन कर रहा है कैसे कर रहा है, the more important thing is to get the thing, to get the job done. तो अगर आपका focus काम के ऊपर है तो फिर problems नहीं आएंगे, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सेटिस्फाई योर ईगो. ईगो आ जाती है बीच में, तो ईगो को फिर सेटिस्फाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है. फिर हमेशा हम अपने ईगो के लिए लड़ते हैं. एंड वी ट्राई टू स्नप अदर्स, वी ट्राई टू यू नो पुश अदर्स. हम दूसरों को पुश करते हैं, दूसरों को स्नप करते हैं, बिकॉज वी वॉन्ट टू सेटिस्फाई आवर ओन ईगो, ताकि हम अपनी ईगो को सेटिस्फाई कर सकें. सो दिस इज द मैट्रिक्स स्ट्रक्चर एंड द वे मैट्रिक्स स्ट्रक्चर इज नेगेटिवली एसोसिएटेड. हाँ, दिस इज अनदर प्रॉब्लम ना. बिल्कुल, ये एक और मसला है बेटा, कि जब आपके डिफरेंसेस आते हैं और फिर आपके पास टाइम भी नहीं होता उन डिफरेंसेस को डिस्कस करने का, बिकॉज एवरीबॉडी इज बिजी, तो फिर वो चीज़ें फर्दर नेगेटिवली बिल्ड हो जाती हैं. थिंग्स ग्रो इवन नेगेटिव. ठीक है, वो चीज़ें फर्दर फिर नेगेटिव लेवल पे आती हैं. यू 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 डोंट हैव एनी अदर मैकेनिज्म, आपके पास कोई और मैकेनिज्म नहीं. तभी तो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर जो है इसको फ्लॉड कहा जाता है. ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल नहीं होता वैसे. मैट्रिक्स इज नो लॉन्गर इन यूज नाउ, दिस स्ट्रक्चर हैज फेल्ड. ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर जो है ये फ्लॉड हो गया, फेल्ड हो गया, अब ये कतई इस्तेमाल नहीं होता. आजकल सबसे ज्यादा जो स्ट्रक्चर इस्तेमाल होता है वो ये है, प्रोजेक्ट बेस्ड एंड टीम बेस्ड, द मोस्ट कॉमनली यूज स्ट्रक्चर एंड द मोस्ट इफेक्टिव वन. हाईली सूटेबल इन डायनामिक एनवायरनमेंट, हाईली सूटेबल, हाईली फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर, हाईली सूटेबल स्ट्रक्चर फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज फॉर स्मॉल, दोनों के लिए इक्वली सूटेबल है. आजकल इदारे प्रोजेक्ट बेस्ड स्ट्रक्चर पर काम करते हैं. बेसिकली मेट्रिक्स में और प्रोजेक्ट में फ़र्क ये है, प्रोजेक्ट बेस्ड स्ट्रक्चर जो होता है आपका, इसमें ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये परमानेंट होती है. अगर प्रोजेक्ट भी खत्म हो भी जाएगा तो ये अथॉरिटी रहेगी, मैनेजर रहेगा. जबकि प्रोजेक्ट बेस्ड स्ट्रक्चर में जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं ये टेम्पररी होती है. कोई प्रोजेक्ट आया, उस प्रोजेक्ट की आपने एक टीम बना दी, अब जब तक वो प्रोजेक्ट काम करेगा वो टीम रहेगी. एज सून एज द प्रोजेक्ट इज ओवर द टीम विल बी डिसॉल्व्ड, टीम भी डिसॉल्व हो जाएगी. जो ही प्रोजेक्ट खत्म होगा टीम भी खत्म हो जाएगी, फिर कोई नया टास्क आएगा, फिर कोई नई टीम बनेगी. सो उस तरह से वो स्ट्रक्चर ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है. उस तरह से मतलब अगर आपको, अगर आपने डायग्राम ही देखनी है तो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर की डायग्राम और प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर की डायग्राम दोनों आप देख सकते हैं.
डेफिनेशन किसकी? मैट्रिक्स की। डेफिनेशन किसकी? मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, असी दिस इज अ प्रोजेक्ट बेस्ड स्ट्रक्चर, देख रहे, दिस इज अ टिपिकल प्रोजेक्ट बेस्ड स्ट्रक्चर। This is director, these are managers, and these are different teams which are being headed. And these teams are temporary. The teams temporary. As soon as the project will be completed, the structure will be dissolved. ठीक है? Matrix की definition ये है, अगर इसे आसान अल्फाज में define किया जाए, so this is matrix structure. ये In a matrix structure, traditional vertical command structure is overlay as an overlay of horizontal authority or influence. This is how we define matrix. और अगर इसे थोड़ा डिटेल में देखना है तो वो भी यही है कि एक ऐसा मल्टीपल कमांड सिस्टम आप पैदा कर लेते हैं जिसमें सिर्फ मल्टीपल कमांड स्ट्रक्चर नहीं होता बल्कि एक ऐसा सपोर्ट मैकेनिज्म भी है और ऐसा कल्चर भी है जो कि उसको जस्टिफाई करे और उस स्ट्रक्चर को फेल ना होने दे। और वो कल्चर और वो सपोर्ट मैकेनिज्म क्या है? वो ये है, ओपन कम्युनिकेशन, एनकरेजिंग ओपन कम्युनिकेशन, एम्फसाइजिंग गेटिंग द जॉब डन। ये कल्चर है, ये वो सिस्टम है जिसके थ्रू आप कामयाब बनाते हैं मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। सो दिस इज द सिस्टम थ्रू विच वी मेक श्योर दैट मैट्रिक्स स्ट्रक्चर इज सक्सेसफुल। ये वो कल्चर है जिसकी उस अब अभी ऊपर बात की डेविस एंड लॉरेंस की डेफिनेशन। ओके काफी कंटेंट कवर कर दिया हमने आज, कल इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट बेस्ड एंड टीम बेस्ड को, स्पैन ऑफ कंट्रोल को और ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस को। कल हम इंशाल्लाह इस पार्ट को वाइंड अप कर देंगे। इसके बाद आएगा ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनशिप्स इंटरनल एक्सटर्नल, वो फिर हम इंशाल्लाह मंडे को स्टार्ट करेंगे। होपफुली कल तक हालात कुछ बेहतर भी हो जाएंगे, थिंग्स माइट बी बेटर। अभी एक्चुअली कैंपस ऑफ है तो आपके ये जो लेक्चर्स हैं ये इमीजिएटली शायद अपलोड ना हो सके पिछले 2 दिनों के, तो जस्ट वेट फॉर देम, दे विल डेफिनेटली बी अपलोडेड बाई मंडे और ट्यूजडे। ठीक है जी, अभी तक तो यही प्लान है कि रिजल्ट वीक आपको ऑफ होता है, बट वी विल सी, अब ये छुट्टियाँ अगर रिजल्ट वीक में कॉम्पनसेट करनी हुई तो कैसे कॉम्पनसेट करेंगे वो देखेंगे आप। ठीक है, वी विल लुक इन टू इट दैट हाउ आर वी गोइंग टू कॉम्पनसेट दीज। खैर आपका तो रिजल्ट वीक ऑफ ही होगा क्योंकि आपकी तो छुट्टियाँ हुई नहीं है, रेगुलर क्लासेस ज़्यादा अफेक्ट हुई हैं, रेगुलर क्लासेस वर मोर अफेक्टेड। ठीक है, कल का टेस्ट में हमने कंपेटिटिव फोर्सेस का टेस्ट करना है ना कल, लेट्स डू इट ऑन मंडे देन। ठीक है, ऐसे मंडे को करते हैं, कल कल हम टॉपिक कवर करेंगे, टेस्ट मंडे को करेंगे इंशाल्लाह। कल नहीं होगा टेस्ट क्योंकि टीए भी अवेलेबल नहीं होगा अपलोडिंग के लिए, स्टाफ भी नहीं होगा, तो टुमारो इज नॉट गोना बी, वी आर नॉट गोना हैव टेस्ट, वी आर गोइंग टू हैव इट ऑन मंडे होपफुली। ठीक है चलें फिर, लेट्स वाइंड अप इट फॉर टुडे, सी यू इंशाल्लाह टुमारो। ओके, अल्लाह हाफिज़।